हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक कुमार भोला, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर। सर आई एम नीरज चास्टा, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर। तो बेटा, आज हम गुरु नीति में लेके आए हैं टॉपिक। एक तो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन, फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे मैटर वेव्स के भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा मैटर। यहाँ पे हम जो मॉडर्न फिजिक्स को हमने यहाँ पे तीन गुरु नीति में डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पोर्शन अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, बाकी टू एक्स्ट्रा पोर्शन और भी है, मतलब उसके अंदर भी हम 40-40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा पोर्शन इसमें, काफी सारे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं नीट के पर्पज से। इसमें हमेशा लगभग ये मान चलिए 45 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश्ड दैट, मींस मिलिकन तेल बिंदु विधि से ज्ञात होता है। इस प्रयोग से हम क्या फाइंड करते हैं? इस प्रयोग जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, मींस जो चार्ज किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है, इसमें ऑयल ड्रॉप्स पे अलग-अलग ऑयल ड्रॉप्स पे चार्ज फाइंड किया गया था इस विधि के अंदर, और देखा गया था कि जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, ड्रॉप्स पे जो यहाँ पे चार्ज आपको ऑब्जर्व हुआ है, वो चार्ज हमेशा ई के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में था, है ना सर? चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में आया था जितना भी चार्ज मैंने फाइंड किया, क्वांटाइजेशन कांसेप्ट। और इसी को अपन बोलते हैं q इक्वल टू m e, मींस चार्ज हमेशा ई के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होता है, मींस हमेशा पूर्णांक की गुणन के रूप में होता है। वो इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया, ये प्रूव किया गया था। तो इसका आंसर जाएगा 4, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये अपन देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, देखिए सर। When cathode rays strikes on a metal target of high melting point with a very high velocity, then which of the following is are produced? जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाले लक्ष्य पर उच्च वेग से टकराती हैं, तो इनमें से क्या उत्पन्न होता है? जब कैथोड किरणें किसी लक्ष्य पर टकरा रही है या जब और उच्च गलनांक का लक्ष्य है, तो उसके द्वारा हमेशा एक्स रेज प्रोड्यूस होगी इस फिनोमिना में। तो इसका जो आंसर हमारे पास वो कौन सा संरक्षण नियम का पालन करती है? हम लोग ये जानते हैं कि उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन की कुछ ई ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, कार्य फलन के बराबर ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा, कुछ गतिज ऊर्जा से गति करता है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में मैंने जहां भी शब्द यूज किया है, मैंने ऊर्जा यूज किया है, ठीक है, ई से आपतित हो रहा है, 5-0 कार्य फलन के बराबर ऊर्जा वहां पर लगेगी, और गतिज ऊर्जा कुछ गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो यहाँ पर मूल रूप से जो संरक्षण नियम का पालन होता है वो ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन इस इक्वेशन में हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, जो फोटोन की टोटल एनर्जी है उसका यूज कहाँ हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिशन में, जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और जो रिमेनिंग एनर्जी है उसे किसे मिल रही है? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, मींस इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में मिल रही है रिमेनिंग एनर्जी, मींस यहां पे टोटल अपन एनर्जी वर्ड यूज कर रहे हैं, मींस एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है, ओके, फॉलो हो रहा है, ये टिक कर सकते हैं सेकंड एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैथोड रे मीट्स 1.8×10^14 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, मींस 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं? व्हेन हीटेड, व्हेन 400 वोल्ट इज अप्लाइड to anode, all emitted electrons reach the anode. The charge on electron is 1.6×10^19 coulomb. The maximum anode current is. और जो आप एक करंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, ठीक है, करंट हम जानते हैं, करंट जो आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ते हैं चैप्टर, उस अपन देखते हैं करंट एंड चार्ज में जो रिलेशन होता है, अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसमें चार्ज एंड करंट में जो रिलेशन होता है क्या यूज करते हैं अपन? I = Q upon T.
I is equal to Q upon T, ठीक है? और अपन जानते हैं चार्ज यहाँ पे क्वांटाइज क्वांटिटी है, क्वांटिगत राशि है, जिसकी वैल्यू क्या होती है Q is equal to NE, ठीक है? NE upon T. अब यहाँ पे आपको देखिए इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ये आपको दे रखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.8 into 10 power 14, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, ठीक है? एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताइए अपन को, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, ओके, डिवाइड बाय टाइम. अब यहां पे पर सेकंड की इंफॉर्मेशन क्या है, पर सेकंड, प्रति सेकंड, यहां पे टाइम को 1 पुट कर देंगे, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पे नियरली क्या हो जाएगा, इसके अंदर 28 समथिंग इसका रिजल्ट, यहां पे 28 समथिंग, यहां पे 10 पावर माइनस 5 मतलब माइक्रो एम्पियर, 29 ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है? तो इसका अपन सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पे आपको 400 वोल्ट जो दिया है केवल तो अपन इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट क्वेश्चन से स्पीकर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज, निम्न में से किसका विशिष्ट आवेश अधिकतम होगा. विशिष्ट आवेश हम लोग क्या जानते हैं, विशिष्ट आवेश हमारे पास रहता है, हम लोग जानते हैं विशिष्ट आवेश रहता है क्यू अपॉन एम, ठीक है? स्पेसिफिक चार्ज, जिसका हमारे पास एम कम रहेगा उसका जो विशिष्ट आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा, ठीक है? यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हम लोग जानते हैं प्रोटॉन पर चार्ज हमारे पास आवेश जो रहता है वो रहता है 1.6 into 10 raised to power हमारे पास क्या रहेगा -19, और अगर अपन मास की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास रहता है वो रहेगा हमारे पास 6.67 into 10 raised to power माइनस कितना रह जाएगा 27 kg. इन सारे पार्टिकल्स में अगर मैं देखूं तो पॉजिट्रॉन जो रहता है, पॉजिट्रॉन पर हमारे पास चार्ज प्रोटॉन के इक्वल रहता है, परंतु इसका जो मास रहता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है, और इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही लाइट पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन का जो मास रहता है वो 10 रेस्ट टू पावर माइनस 31 में, यानी कि पॉजिट्रॉन का जो मास रहेगा वो 10 रेस्ट टू पावर माइनस 31 में रहेगा, यानी कि पॉजिट्रॉन का मास हमारे पास क्या है, बहुत कम है, यानी पॉजिट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज रहेगा वो क्या रह जाएगा, बहुत ज्यादा रहेगा. हीलियम तो वैसे भी हमारे पास क्या है, हीलियम तो एक हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस यानी कि आपके पास क्या है, इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स रहेंगे, तो इसका जो चार्ज रहेगा वो हमारे पास किसके बराबर रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन चार्ज. तो हमारा इसका कंक्लूजन जो रह जाएगा वो रह जाएगा पॉजिट्रॉन के मास के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, मास बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है पॉजिट्रॉन का, पॉजिट्रॉन का मास, इसलिए अपन यहां से अपन समझ सकते हैं कि आंसर क्या जाएगा सर, फर्स्ट आंसर, ठीक है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ NR एंड NB बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय रेड एंड ब्लू बल्ब्स ऑफ इक्वल पावर in given time respectively, then means यहाँ पे मैं bulb की power same given है, ठीक है? और आपसे कह रहा है कि इसमें number of जो electrons से कौन से ज़्यादा होंगे, red वाले photons ज़्यादा होंगे या blue वाले photons ज़्यादा होंगे, ये हमें देखना है. power यहाँ पे same दे रखी है, ठीक है? power और जो power आप जानते हो, power is equal to क्या होता है, energy upon time, ठीक है? total energy e total जो total emitted energy है, total emitted energy upon time, clear? and total energy यहाँ पे emit हो रही है photons की form में हो रही है, ठीक है? photons की form में हो रही है, तो इसको लिखते हैं N into E photon upon T, clear? अब जो photon की जो energy होती है, उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? hc upon lambda, ठीक है? तो यहाँ पे इसको E photon put कर दें, hc upon lambda upon T. अब यहाँ पे क्या चीज़ same given है? Power आपको same given है. Power की value यहाँ पे same given है. अब यहाँ पे देखो, ये पावर सेम है, टाइम को फिक्स है, एक्स सी फिक्स है, लैम्डा बदलने हैं, तो एन इज प्रोपोर्शन टू क्या हो गया, लैम्डा. एन इज प्रोपोर्शन टू दी लैम्डा, मतलब जिसका वेवलेंथ ग्रेटर होगा उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या रहेंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे. यहां पे कौन सा आंसर अपन जानते हैं, वेवलेंथ किसकी ग्रेटर होती है बेटा, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी रेड कलर के ग्रेटेस्ट होंगे, तो कौन सा आंसर टिक करें इसमें, वर्टिकली नंबर ऑफ रेड फोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ ब्लू फोटॉन्स, ओके? चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज, प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या होता है. प्रकाश विद्युत सेल जो होता है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करता है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रिंसिपल अपन ने देखा था कि प्रकाश आपतित करते हैं और धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आप यहां पर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं. लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो देखते हैं इनमें से कौन सा हमारे पास बेटर है. इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम व्हेन एक्सेलरेटेड बाय वोल्टेज वी, मींस पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया गया, इस पे बना इलेक्ट्रॉन का मास एम जो है
has de Broglie wavelength lambda. The de Broglie wavelength of a proton of mass m, means a second particle यहाँ पे mass m दी बने, were accelerated by same voltage, means दोनों को same voltage से accelerate किया जाए. अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, de Broglie wavelength हमें photon की find करनी क्या होगी, ठीक है. अब चाहे पे देखो de Broglie wavelength, de Broglie wavelength अपन जो find करते हैं lambda, lambda is equal to होता है h upon p, okay, h upon p, p यहाँ पे क्या momentum, ठीक है. अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन वोल्टेज की जरूरत है, इसको पहले एक काम करें, मोमेंटम को हम चेंज करें एनर्जी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में. तो यहाँ पे हम जानते हैं p इज इक्वल टू क्या होता है, रूट टू टू एम के, या के तो एनर्जी, e के तो एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को e के दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की माने वोल्टेज v अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी q चार्ज पार्टिकल पे v पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाती है, q इनटू v. तो इस e को हम रिप्लेस कर सकते हैं q इनटू v से, ठीक है, h अपॉन रूट ऑफ 2m q इनटू कैपिटल v. ओके, अब यहां पे आप देखिए इसमें हमें एक तो मास की इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड वोल्टेज यहां पे सेम है, वोल्टेज सेम है, वेवलेंथ का मास के साथ रिलेशन आपको देख रहा है, क्या है बच्चों, h कांस्टेंट, 2b कांस्टेंट, ठीक है, एंड वोल्टेज भी फिक्स कर दिया है, ठीक है. अब बात करें चार्ज की, तो मास एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, ठीक है, एक पे प्लस ई है तो एक पे माइनस ई, मैग्नीट्यूड तो सेम ही, मैग्नीट्यूड से सेम है, बिल्कुल. ओके, तो हम देखते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा बेटा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ m, ये अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है. तो यहां से लैम्डा प्रोटॉन हमें फाइंड करना है, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन. अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देर की पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन का मास हमें कितना गिवन है यहाँ पे, स्मॉल m, स्मॉल m गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m गिवन है एंड प्रोटॉन का मास कैपिटल m. अब यहाँ से इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास लैम्डा प्रोटॉन जो बन जाएगा वो बन जाएगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन टाइम्स, ये बन जाएगा हमारे पास स्मॉल m अपॉन कैपिटल m. कौन सा आंसर बेटा इसमें, ये आ जाएगा सेकंड आंसर, सेकंड आंसर, इस तरह पर टिक कर सकते हैं सेकंड आंसर. क्वेश्चन देखो बेटा कोई टिपिकल नहीं आते, मॉडर्न फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन्स एज, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन को उसने क्या माना, ठीक है. हम लोग ये जानते हैं कि डी ब्रोगली परिकल्पना में उसने कणों की तरंग गति के बारे में बताया था, या तरंग दैर्ध्य अगर अपन याद कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन कण तो होता ही है और डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना में कणों की तरंग प्रकृति के बारे में बताया था, ठीक है. अपन इक्वेशन जो भी लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, अपन लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, h अपॉन p. ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, यहां पर क्या है, h अपॉन इसको लिखते हैं अपन mv. तो एक m मास का पार्टिकल जब v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य, तो बात आ रही है आप एक कण को तरंग देने दी या तरंग की प्रकृति में व्यक्त करने की समीकरण दिखा रहे हैं, तो उसने ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी पार्टिकल भी और वेव्स को भी शो कर रहा है, दोनों नेचर शो, दोनों नेचर वो शो कर रहा है, ड्यूअल नेचर वो शो कर रहा है, ऐसे लाइट की ड्यूअल नेचर होती है ऐसे यहां पे पार्टिकल की भी ड्यूअल नेचर वो उसने शो किया था, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने, ठीक है. तो हम टिक करेंगे थर्ड आंसर, ठीक है. चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A proton accelerated through a potential v has a de Broglie wavelength lambda. ठीक है, de Broglie wavelength lambda given है, proton के बारे में आपको potential difference v given है, जैसा भी मैंने थोड़े पहले question solve किया था. Then the de Broglie wavelength of an alpha particle when accelerated through the same potential v is. तो देखो अभी जो अपने solve किया था as it is उसी type का question है, lambda. Lambda is equal to अपने यहाँ पे जो solve किया था lambda is equal to h upon p. p को फिर अपने root 2m की put किया था. ठीक है, और फिर e को अपने लिखा था रूट टू एम ई, को क्या लिखा बच्चों अपने, q इंटू कैपिटल v, ठीक है, ये लिखा था अपन ने. अब यहाँ पे आपको देखो क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम गिवन है ना, सेम समान वीओ से, सेम वीओ गिवन है, v सेम गिवन है, ठीक है. तो h वैसे कांस्टेंट है, 2b यहाँ पे कांस्टेंट है, मींस लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन रूट ऑफ m इंटू q, ठीक है. इससे हमें आंसर डिसाइड करना है, क्योंकि एक प्रोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों के मास भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, चार्ज भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है. तो ये चीज हमें इसके अकॉर्डिंग देखनी है. अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन, एंड चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. तो नीचे रूट के अंदर क्या होगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8, या कहते हैं 2 रूट 2 बन जाएगा. तो लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 ऐसे अपन डिसाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. तो ऐसे अपन देखेंगे ये बन जाएगा रिजल्ट, ओके. तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, थैंक यू सर.
an electron and proton have the same de Broglie wavelength, then the kinetic energy of the electron is. यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, समान है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? तो अभी अपन ने, सर ने जैसे अपने पास हमें बताया कि आपके पास लैम्डा का क्या फॉर्मूला रहता है, एच अपॉन अंडर रूट हमारे पास क्या है, 2mK, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य के लिए हमें बोल दिया है इसने क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य क्या हो गई, सेम हो गई। यानी कि आपके पास क्या हो गया, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अपन सॉरी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तरंग दैर्ध्य इसने क्या बोला है, समान बोला है, तो अपने पास प्रोटोन के लिए भी सेम तरंग दैर्ध्य रहेगी, तो ये हो जाएगा एच, एच तो नियत है वैसे भी हमारे पास, और अपने पास इधर बन जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटोन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन। अगर H से H कैंसिल, अपना 2 से 2 कैंसिल, और अगर अपन यहां पर वर्गमूल को हटाते हैं तो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स से लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अब आपके पास हम लोग जानते हैं कि ये दोनों चीजें जब एक दूसरे के बराबर है तो जिसका मास ज्यादा रहेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो हम लोग जानते हैं मास किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो यहां पर प्रोटॉन का मास ज्यादा रहेगा तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या अगर आपने को इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वेश्चन में पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अपन देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा से अधिक, अधिक इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल। तो हमारा जो कंक्लूजन बनेगा फोर्थ आंसर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्साइटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। मींस दोनों को हमने 100 वोल्ट से मींस सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्साइट किया, ठीक है। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन टू द एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल इज, ये तो अभी जैसा अपने क्वेश्चन देखा था बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मींस यहां पे जो अपने लिखा था बेटा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, फिर p को √2m e पुट किया था अपने, तो एंड √2me यहां पे 2me e को हमने क्या लिखा था बच्चों, q into v, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां पहले प्रोटॉन और बाद में अल्फा पार्टिकल बोला गया, मींस लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या रहा है, 1/√m into q, ठीक है। यहां से प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, मींस पहले लैम्डा प्रोटॉन, फिर बोला गया लैम्डा अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू यहां से √ यहाँ पे मास हम जो पुट करेंगे तो प्रोटॉन ऊपर है, नीचे मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आएंगे, मास ऑफ प्रोटॉन m, चार्ज ऑफ प्रोटॉन q, और नीचे अल्फा पार्टिकल है तो यहाँ पे ऊपर आएगा, तो उसका मास कितना होता है, 4 times of m, ओके, मास तो 4 times of m एंड चार्ज 2 times of q। अब यहाँ से m से m कैंसिल, q से q कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, 4 into 2 मींस 2√2, ये बन जाएगा रिजल्ट 2√2:1, मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर दैट इज इक्वल टू b0 j कैप, ठीक है। यहाँ पर देखें ये दोनों एक i कैप है यानी कि x दिशा में है और एक आपके पास y दिशा में है, then d ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए बात करनी है। आपके पास यहाँ पर सिचुएशन ये दे रखी है कि ये एक्स दिशा से गति करता हुआ वाई दिशा के फील्ड में या एक लंबवत मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश कण एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ जो रहता है वो वृत्ताकार रहता है, सर्कुलर पाथ उसका रहता है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती। ऑब्वियसली वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, सर्कुलर रहेगा तो वेलोसिटी वेक्टर उसका क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो हमारे पास अगर अपन देखें तो लैम्डा के लिए अगर मैं बात करूं तो लैम्डा हमारे पास क्या रहेगा, एच अपॉन एम वी, ठीक है। और आपके पास जो वी है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, सर्कुलर मोशन में आपके पास वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगी, एक समान वर्ती गति रहेगी, जिसमें वी का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा या चाल नियत रहेगी। तो चाल m तो नियत ही है, h नियत ही है, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, और v आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है जो अपन मैग्नेटिज्म में या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अपन ने पढ़ रखा है कि सर्कुलर पाथ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा, तो v स्पीड आपके पास क्या होगी, नियत रहेगी,
तो जब तीनों राशियां यहां पर नियत हो गई है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो हमारे पास लैम्डा क्या रहेगा फर्स्ट कर सकते हैं रिमेन्स कॉन्स्टेंट डी वैल्यू होगा डी प्रॉपर्टी वेवलेंथ विल बी कॉन्स्टेंट नियत रहती है। आई बस समझो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 16 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज मींस अभी यहां पे काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर रहे हैं और लैम्डा में इफेक्ट पूछा गया क्या है। अभी अपन देखा था यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p p को लिखा था अपन ने √2me ठीक है मोमेंटम को लिखा √ ऑफ 2me ठीक है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी है मींस हम देखने मतलब लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू हमारा √ ऑफ e ठीक है और e को आपने यहां पे कितना कर दिया 16 टाइम्स इस e को आप यहां पे 16 टाइम्स कर दोगे 16 टाइम्स इसका अगर अपन रूट करें तो कितना बन जाएगा 4 ठीक है मींस लैम्डा डैश को लिखा जाएगा लैम्डा बाय 4 तो यहां पे 16 का रूट करोगे तो लैम्डा बाय 4 हो गया मींस कितना रहेगा 25% ठीक है इज इक्वल टू 25% ऑफ लैम्डा 25% ऑफ लैम्डा मींस यहां पे चेंज कितना हो गया 75% मींस वेवलेंथ यहां पे डिक्रीज हो गई है 75% डिक्रीज हो गई है तो हम कौन सा टिक कर सकते हैं इसमें आंसर सेकंड ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट ठीक है एक इलेक्ट्रॉन के पास पहले से हमारे पास ऊर्जा है जो कितनी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसके बाद उसको अपन ने 50 वोल्ट से त्वरित किया है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी ये अपने को पूछा हुआ है। देखिए एक तो आप ये देखेंगे ये जो हमारे पास ऊर्जा है अगर मैं इसके तुल्य वोल्टेज बनाऊं तो वोल्टेज हमारे पास यहां से ई हटा दो क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये कितने का हो जाएगा हमारे पास 100 वोल्ट की तुल्य ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास अपने पहले से थी अपन ने एडिशनल और कितना लगा दिया 50 वोल्ट अपन ने उसके साथ में और अप्लाई कर दिया तो हमारे पास 100 प्लस वोल्ट इफेक्टिवली हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अपन ने कितने त्वरित कर दिया 100 तो पहले से ही था 50 से वोल्ट कर दिया तो तुल्य हमारे पास कितना हो गया 150 वोल्ट से जैसे वो इलेक्ट्रॉन जा रहा हो। अब अपन इलेक्ट्रॉन के लिए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा होता है वो होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम ये रहता है तो अगर मैं देखूं इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.27 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 150 एंगस्ट्रॉम ठीक है 150 अपन जानते हैं 12 इंटू 12 कितना होता है 144 होता है तो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा है तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 12.27 ही बनेगा। देखिए तो हमारे पास ये वैल्यू 12.27 है ये वैल्यू भी 12.27 है तो इनको अपन क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं हमारे पास 1 बन जाएगा तो ये बन जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम हमारा रिजल्ट बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अपन अपने पास ऊर्जा पहले से ही है और फिर अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया तो आपको पहले इस ऊर्जा को किसमें इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद एडिशनल वोल्टेज कितना है क्योंकि हम जो डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करें इसमें टोटल एनर्जी काम में आती है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन देख रहे हैं 150 बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ठीक है। चलो अब देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेट फोर गैसेस हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हीलियम बी एट सेम टेंपरेचर अरेंज द गैसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ मैं समझो यहां पे डिफरेंट गैसेस हैं सबके मास भी डिफरेंट होंगे ठीक है और उनको सेम टेम्परेचर से हम एक्सेप्ट करा रहे हैं ठीक है सेम और यहाँ पे हमें इसको फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ को अरेंज करना है ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू अपन जानते हैं h अपॉन p एंड p को अपन क्या रखते हैं √2me h अपॉन √2me ठीक है e इज काइनेटिक एनर्जी ठीक है h अपॉन p को पुट कर दिया √2me अब जहां पे ये गैस मॉलिक्यूल है गैस मॉलिक्यूल के लिए आप जो टॉपिक पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस उसमें हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को हम किसे डिफाइन करते हैं 3/2 kT सही है सर बिल्कुल 3/2 kT तो इस e को अपन 3/2 kT से रिप्लेस कर सकते हैं मींस h अपॉन √2m e को हम पुट कर देंगे 3/2 kT 3/2 kT से अपन रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल तो जो रिलेशन बना क्या बनेगा रिलेशन h अपॉन √m 3m kT 3m kT ये रिलेशन आपको ऑब्जर्व होगा। अब यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है टेम्परेचर सेम टेम्परेचर एच तो वैसे कॉन्स्टेंट है 3 भी कॉन्स्टेंट है ठीक है टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट के भी आप बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है ठीक है तो मीन्स लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहा 1/√m लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू √m मीन्स जिसका मास सबसे
ग्रेटेस्ट होगा उसके लिए लैम्ब्डा सबसे कम रहेगा, ठीक है, मास ग्रेटेस्ट तो हमें पहले वही देखिए स्मॉलेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, तो पहले स्मॉल वेवलेंथ फिर उससे बड़ी वेवलेंथ उससे बड़ी वेवलेंथ इस तरह अरेंज करना है, मतलब मास पहले सबसे ज्यादा वाला मास आएगा। तो देखो सबसे हाईएस्ट मास किसका होता है, पहले ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर हाइड्रोजन का। तो यहां पे हम देखें थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम थर्ड ऑप्शन को टिक कर सकते हैं यहां पे। ओके चलो अब देखते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, a photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. एक बार अपन ने क्या तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का प्रकाश डाला है और एक बार अपन ने तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा by 2 का प्रकाश डाला है। आगे देखते हैं, the maximum energy of the permitted photoelectrons in the second case, दूसरी बार में जो maximum energy है that is 3 times of the first case, second time में जो maximum energy बन रही है that is 3 times of the first case, ठीक है, the work function of the surface of the material is, तो आपको कार्यफलन बताना है उस सतह का। सर ये अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर चल रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक सिंपल अगर अपन डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ई ऊर्जा का फोटोन अगर आपतित हो रहा है तो सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए जो अपने पास ऊर्जा चाहिए होती है उसको अपन बोलते हैं फाइ जीरो, जिसको अपन बोलते हैं कार्यफलन, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास क्या बचती है, गतिज ऊर्जा बचती है, के इसको लिख सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण अपन ने अभी एक क्वेश्चन में बात करी कि यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण रहेगा, तो अपन ये देख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण यहाँ पर क्या रहेगा, E will be equals to phi zero plus हमारे पास क्या रहेगा कि इस ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने तथा इलेक्ट्रॉन को गति करवाने के लिए या इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और ई जो फोटोन की रहती है वो क्या रहता है हमारे पास, एच सी अपॉन लैम्ब्डा। तो मैं पहले वाले केस के लिए इक्वेशन बनाऊं तो E क्या हो जाएगा हमारा, एच सी अपॉन लैम्ब्डा दैट इज इक्वल्स टू ये रहेगा हमारे पास फाइ जीरो प्लस क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में ये बोला हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड केस इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट केस, तो मैं इसको फर्स्ट केस के लिए क्या बोल देता हूं, K1 बोल देता हूं। अभी सेकंड केस की इक्वेशन लिखे, ये क्या हो जाएगा एच सी अपॉन अपना क्या हो जाएगा लैम्ब्डा बाय 2, तो मैं 2 को क्या कर देता हूं ऊपर भेज देता हूं, ठीक है। और अपने पास इक्वेशन, अब अपने पास फाइव जीरो तो बाहर आने में लगना ही है, और यहाँ पर अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, K2 हो जाएगी, थ्री टाइम्स बताएगी, और K2 को आपको बताया है 3 टाइम्स ऑफ K1, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो इधर अपन वैल्यू पुट करते क्या है 2hc अपॉन लैम्ब्डा, और क्या हो जाएगा हमारे पास इधर वैल्यू पुट करते अगर अपन तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइव जीरो, और K2 को अगर मैं लिखूं तो ये कितना है हमारे पास 3K1, और K1 की वैल्यू मैं यहां से बना रहा हूं HC अपॉन लैम्ब्डा माइनस 50, तो मैं सीधा लिख रहा हूं इक्वेशन को, वहां पर आपके पास K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर मैं 3K1 लिखता हूं और K1 इस समीकरण से बन रहा है हमारे पास कितना HC अपॉन लैम्ब्डा माइनस 50। अब इस इक्वेशन को अपने को कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है और अपने को 50 की वैल्यू निकालनी है, तो एक सिंपल इक्वेशन बन रही है, ये कितना बनेगा 2hc अपॉन लैम्ब्डा, ये 50 प्लस ये बनेगा हमारे पास 3hc अपॉन लैम्ब्डा माइनस 350, ठीक है। तो मैं इसको सीधा सॉल्व कर देता हूं, मुझे लगता है आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये बनेगा आपके पास 50, यहां पर बनेगा माइनस 350, ठीक है। तो चलो चलो लिख लेते हैं, 2hc अपॉन लैम्ब्डा बराबर ये बन जाएगा हमारे पास 50 प्लस ये हो जाएगा 3hc अपॉन लैम्ब्डा माइनस कितना हो जाएगा 350, तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास कितना 50 माइनस 350 250 बन जाएगा, और इस 2hc बाय लैम्ब्डा को मैं इधर लेकर आता हूं तो 3hc बाय लैम्ब्डा माइनस 2hc बाय लैम्ब्डा, यहां पर hc बाय लैम्ब्डा बन जाएगा। तो इफेक्टिवली हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, इधर देखें 250 दैट विल बी इक्वल्स टू ये 2hc बाय लैम्ब्डा इधर जाएगा, तो 3hc बाय लैम्ब्डा माइनस 2hc बाय लैम्ब्डा हमारे पास बचेगा HC अपॉन लैम्ब्डा, या 50 की अगर मैं वैल्यू निकालू तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा HC अपॉन 2 लैम्ब्डा। कुछ नहीं, सिंपल इक्वेशन है जिसको आपको अरेंज करना है, आपको पूछा क्या गया है इसका ध्यान रखना है और आपके पास आंसर होगा, तो हमारे पास बन रहा है HC अपॉन 2 लैम्ब्डा, तो सर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं सर बेटा, तो दो बार आपको इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, और सॉल्व करें, जो डाटा पूछा गया बस वही कैलकुलेट करना है, जिसके अपने यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, ठीक है, उसको सॉल्व करके या तो रेशियो पूछ लेता है हमसे या फिर कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पे कह रहा है व्हेन अ सर्टेन मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, हमें वी का न्यू ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, व्हेन सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड मतलब वर्क फंक्शन सेम है, ठीक है, बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 2 द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट बाय 4, ठीक है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज, अब यहां पे जो ये फोटो इसके अंदर अपन को जो V0 की इंफॉर्मेशन दे रखी है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस फॉर्म में अगर अपन इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, देखिए E फोटोन मींस फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EVS, ठीक है, EVS यानी EV0 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0, क्लियर। अब हमें यहां पे h nu देखो, अब यहां पे फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी आपसे बोलेगी, ये आपसे बोला न्यू फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन अपन इसकी फ्रीक्वेंसी पुट करें न्यू h nu, ठीक है, इज इक्वल टू h nu नॉट, ठीक है, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गया इसके अंदर पहले हमने को v0 दे रखा है, v0 ये पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमने यहां पे न्यू बाय 2 कर दी और यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 बाय 4 हो गया, ठीक है, मींस यहां पे सेकंड इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी यहां पे न्यू बाय 2 अपन को यूज करनी न्यू बाय 2, ठीक है, ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी h nu नॉट, क्लियर, प्लस e इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया यहां पे v0 बाय 4, स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 बाय 4 हो गया, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहां पे हम देखो इस इक्वेशन में इस v0 को यहां से एलिमिनेट करेंगे क्योंकि किसी भी ऑप्शन में v0 नहीं आ रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन में हमें किसको एलिमिनेट करना है, v0 को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो v0 को एलिमिनेट करके हम यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड मींस v0 फ्रीक्वेंसी, तो उसका आप इजीली v0 को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास ev0 बन रहा है इस ev0 की वैल्यू हमारे पास है, ये से भी कर सकते हैं, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, ev0 की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो h nu माइनस h0 और उसको यहां पुट कर देंगे, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे तो इससे आंसर बन जाएगा रेंज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपने पास वर्क फंक्शन या कार्य फलन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनमें से कौन सा प्रकाश जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज नहीं किया जा सकता, और आपको ऑप्शंस में जो है वो तरंगदैर्ध्य दी हुई है, तो अपने पास जो वर्क फंक्शन की रेंज बन रही है, वर्क फंक्शन की रेंज बन रही है 2 टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अगर कोई फोटोन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो वो उत्सर्जित कर ही पाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा ऊर्जा है ही है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है तो वो ज्यादा ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। हमारे पास ऐसा कोई फोटोन है जिसकी ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है, तो वो आपके पास किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को, जो हमें दी गई धातुएं हैं इस परास की जो धातुएं हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकता। हम लोग को यहां पर देखना है कि अपन ये सबसे कम वाला कार्यफलन या ये वाली ऊर्जा के लिए अपन क्या कर लेते हैं, लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या डिसाइड करेंगे अपने ऑप्शन में से कौन सा सेट हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा क्या रहती है, E=hc/λ। अब मैं न्यूनतम ऊर्जा हमारे पास क्या है, न्यूनतम कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, इसके लिए मैं पूछ देख लेता हूं कि लैम्डा कितना रहेगा, ये अपन देखते हैं कि कहां तक की तरंगदैर्ध्य जो है वो उत्सर्जन कर सकती है, अपन इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं E की वैल्यू कितनी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अपने को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दिक्कत है यहां पे प्लैंक कांस्टेंट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, हां ओके गुड, हां हमें वैल्यूज, चलो कितना प्यारा प्यारी सी बात है, आपको सारी चीजें यहां पर अरेंज करके दी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 ये अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है 4 × 10⁻¹⁵, तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एस लिखूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और आपको मात्रकों की चिंता करने की यहां पर जरूरत नहीं है। इनटू सी की वैल्यू भी हम लोग को दे रखा है, ये कितना है 3 × 10⁻¹⁸ हमारे पास क्या हो जाएगा 8 अपॉन अपने पास क्या हो गया लैम्डा, तो अपने को इस लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी मैंने समझाया, अब अपन इसको यहां पर इलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मात्रकों की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इस लैम्डा को उधर भेज देता हूं और इसको इधर भेज देता हूं, तो यहां पर अगर अपन देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 3 अपने पास क्या हो जाएगा 12 × ये हो जाएगा 15 और 8 तो ये 10⁻¹⁷ कितना हो जाएगा -7 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो 2 से मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 6 और लैम्डा अपना बन जाएगा कितना, मैं
10^-9 नैनोमीटर में लेके आ जाता हूं इसको, तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 600 नैनोमीटर, यानी कि आपके पास 600 नैनोमीटर तक की जो तरंगदैर्ध्य है वो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है। अगर अब आपके पास लैम्डा अगर बढ़ता है तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि आपके पास 600 से ऊपर वाली जो भी तरंगदैर्ध्य रहेगी वो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए आपने ऑप्शन में 600 से ज्यादा वाली जो वेवलेंथ है वो कौन सी है, एक ही है बस, ठीक है, ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सुटेबल नहीं रहेगा, बाकी सबको मैं आराम से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सटेंड बाय प्रकाशित को समझाया जा सकता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए देखो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, आइंस्टीन साइंटिस्ट ने किस बेसिस पे, प्लांक क्वांटम प्रिंसिपल, मींस प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसकी सहायता से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की उसने व्याख्या की थी, एक्सप्लेन किया था, जिसके उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने किसकी हेल्प ली थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की, मींस वो फोटोन की हेल्प ली थी, तो उसे बोलते हैं प्लांक प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से, ये आंसर भी करेंगे इसमें फोर्थ, ओके। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर n1 फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गामा 1 इन अ बीम ऑफ लाइट इक्वली एनर्जेटिक बीम, देयर आर n2 फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गामा 2, द करेक्ट रिलेशन इज, मींस यहां पे दोनों की एनर्जी सेम दे रखी है, टोटल एनर्जी सेम है, दोनों जो टोटल एनर्जी सेम है, मींस e टोटल सेम, और आप जानते हो बच्चों e टोटल जो टोटल एनर्जी यहां पे इमिट हो रही है किसकी फॉर्म में इमिट हो रही है, फोटॉन्स की फॉर्म में, मींस टोटल एनर्जी होगी n into e photon, ठीक है, e into one photon, n into e photon, ठीक है। अब यहाँ पे total energy हमें same given है, अब यहाँ पे इसको देखो frequency information, frequency gamma 1 है, तो इस e ph को अपन क्या पुट कर सकते हैं, h nu, ठीक है, h nu या कहते हैं h gamma, क्योंकि यहाँ पे frequency को उसने gamma नाम दिया, ठीक है, तो यहाँ से अपन ने दिया is equal to same, ठीक है, n यहाँ पे h तो वैसे constant है, Planck constant, means n into gamma is equal to same, क्या कहते हैं n into gamma is equal to same, यहां से आप देखते हैं मिस n इज प्रोपोर्शनल टू द 1/1 गामा, ठीक है, मिस n1/n2 फाइंड करेंगे तो गामा 2/गामा 1 बन, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, n1/n2 इक्वल टू गामा 2/गामा, ठीक है, ऐसे अपन डिसाइड कर सकते हैं। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज़ प्रकाश विद्युत प्रभाव जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है उसकी अवधारणा को मानता है या पुष्टि करता है, क्योंकि देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, हम लोग ये जानते हैं कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक दैली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर देखा नहीं जा सकता, दैली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का अगर अपने पास फोटोन होगा तो ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो चुका है, सही हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज, इस स्टेटमेंट को देखें तो ये तो बाद की बात है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए ये तो बाद में इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है, इस स्टेटमेंट में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात नहीं कर रहे, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं बोला गया है, और अपनी जो पार्टिकल नेचर है क्वांटम सिद्धांत के लिए ये स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट ऑन द इंटेंसिटी, देखिए आइंस्टीन की इक्वेशन यही बताती है हम लोग को कि आपके पास जो अधिकतम ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसमें तीव्रता जो अपन ने इतनी देर से अपन इक्वेशन बना रहे हैं एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू जीरो प्लस क्या रहेगा ये जो एनर्जी या यहाँ पर हम लोग इक्वेशन जो लिख रहे हैं 1/2 mv² या एनर्जी जो लिख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में जो बात हो रही है, ठीक है, तो वो केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। इवन व्हेन मेटल सरफेस इज फ्रेंडली इल्यूमिनेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स लीव्स द सरफेस इमीडिएटली, ये इंस्टेंट प्रोसेस होता है, ये ऐसे धीरे धीरे वाला प्रोसेस नहीं है, जैसे ही लाइट गिरेगी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नेचर के लिए है, तो ये फाइन वॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
Kmax बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब पे फोटोन में यहां पे क्या छुपा हुआ है, फ्रीक्वेंसी h nu ठीक है, इज इक्वल टू फाइन नॉट प्लस Kemax, मींस यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये केवल किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एवरी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। हाँ, इंटेंसिटी अपन इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो आप हमसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी केवल किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसी क्वेश्चन से ही रहा है, तो कौन सा आंसर आएगा इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सेकंड ऑप्शन अपन टिक कर सकते हैं, ओके। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर, ए पल्स ऑफ लाइट ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 100 नैनो सेकंड इज एब्जॉर्ब कंप्लीटली बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब आपसे कहना चाहता कि एक को ऑब्जेक्ट है उसमें अपन ये 100 नैनो सेकंड की एक ड्यूरेशन पल्स इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक स्पंद है, पल्स है, उसको इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, और सरफेस कैसी यहां पे कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ठीक है, पावर ऑफ द पल्स इज 3 मिलीवॉट, अच्छा पावर 1 मिलीवॉट आया है यहां पे, जब भी फोटोन की सरफेस में फॉल होता है तो फोर्स अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है, और सरफेस मोमेंटम ट्रांसफर होता है इसलिए, ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, पावर अपॉन सी के इक्वल, ठीक है, एफ इज इक्वल टू पावर अपॉन सी, ठीक है, C यहाँ पे पावर ऑफ लाइट है, जो स्पंद अपने पल्स की पावर है, और C C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, और अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, इधर वाला पोर्शन होता है उसमें F की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, मींस dp अपॉन dt के या डेल p अपॉन डेल t, ठीक है, मींस ये डेल p अपॉन डेल t को शो कर रहा है, डेल p अपॉन डेल t, यहां p यहां पे मोमेंटम एंड t यहां पे पावर है, ठीक है, बस अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल में तो ये रेस्ट में विराम अवस्था में, ठीक है, तो और फाइनल जो मोमेंटम निकल के आएगा वो डेल पी के इक्वली होगा, क्योंकि डेल पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इनिशियल वैल्यू जीरो है, तो जो यहाँ से डेल पी निकलेगा वही आपको क्या शो करेगा, फाइनल मोमेंटम को, ठीक है, पावर आपकी पी वन है, पावर 30 मिलीवॉट वी वन है, 30 × 10⁻³ मिलीवॉट, ठीक है, एंड सी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड is equal to del p means change in momentum find karna hai and delta t, theek hai, to delta t ke yahan pe information diya 100 nanosecond ki bane 100 nanosecond means 100 into 10 power minus 9, theek hai, ab yahan se hame calculate karke delta p hum find karna hai, to delta p yahan se aap solve karenge to delta p yahan se kitna banega, dekhiye direct term answer delta p aa jayega ye 1.0 into 10 power minus 17, theek hai, yahan se aap solve kar liye, ये डायरेक्ट अपन देखिए वैसे तो 3 से 3 कैंसिल, केवल सारी 10 पावर्स आपको दिख रही हैं, बिल्कुल यहां पे कोई आगे एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर तो आ नहीं रहा, कोई एक्स्ट्रा गुणा पावर हो रहा किसी का, केवल 10 की पावर्स में केवल एक ही ऑप्शन है सेकंड, तो आंसर आएगा, बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर, ए फोटो सेल इज रिसीविंग लाइट फ्रॉम ए सोर्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है, एक फोटो सेल जो है वो 1 मीटर पर सोर्स रखा हुआ है, उससे लाइट रिसीव कर रहा है, ओके, If the same source is to be placed at distance of 2 meter, ठीक है, उसी source को अपन क्या कर रहे हैं, 1 meter से ले जाके 2 meter पे रख दिया, तो then the ejected electrons, अभी जैसे सर ने बताया था, हम लोगों ने ये बात करी थी कि number of electrons जो रहते हैं वो हमेशा प्रकाश की जो तीव्रता या intensity जो intensity of light के proportional रहते हैं, ठीक है, और अपन ने wave theory में पढ़ा हुआ है कि intensity हमेशा distance के square के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, या इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² आप लोगों के पास पहले डिस्टेंस जो थी 1 मीटर थी और अपन ने अब डिस्टेंस कितनी कर ली 2 मीटर कर डबल तो अपन ने इसकी डबल कर दी तो डबल करने पर यहां पर r की जगह पर क्या हो जाएगा स्क्वायर या अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी विल बी या i डैश विल बी इक्वल टू पहले वाली इंटेंसिटी अपॉन ये डबल होने की वजह से इंटेंसिटी कितना गुना कम हो जाएगी हमारे पास 4 गुना कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे अगर मैं n डैश की भी बात करूं तो n डैश विल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स या 1/4 हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे तो संख्या में 1/4 हो जाएगा हां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या में 1/4 हो जाएंगे 1/4 इन द नंबर फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है सर विल बी 1/4 ऑफ नंबर ठीक है फोर्थ ऑप्शन अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर 4000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन
में से आप एक सरफेसेस पे जो रेडिएशन फॉल हो रहे हैं उनकी आपको वेवलेंथ गिवन है, तरंग दैर्ध्य है 4000 एंगस्ट्रॉम, द पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप द इजेक्शन इज 2 वोल्ट, ठीक है, मींस यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस निरोधी विभव की बात कर रहा है उतना है 2 वोल्ट, इफ द इंसिडेंट लाइट इज टेंस टू 3000 एंगस्ट्रॉम देन द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हमने वेवलेंथ को हमने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है, वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो उससे ई फोटोन, फोटोन एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी, बिल्कुल। जो इक्वेशन अपन यहाँ लिखते हैं देखिए ई फोटोन इज इक्वल टू जो होता है फाई नॉट प्लस ई वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे चलो हमने यहाँ पे फोटोन की एनर्जी फाई नॉट तो फिक्स है यहाँ पे आप देखते हैं इस तरह से ई वी एस इज इक्वल टू ई फोटोन e photon minus phi naught, ठीक है। अब अपने यहाँ पे इस e photon को ज़्यादा जानते हैं, लिखते हैं hc upon lambda minus of phi naught। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने wavelength पहले 4000 थी, अब कितनी कर दी 3000, wavelength हमने increase करी है, तो wavelength आप increase करोगे, sorry decrease करा है, wavelength हमने decrease की है, तो ये value है, wavelength आपने क्या किया बेटा decrease किया है, तो एक complete जो value है, ये value क्या होगी increase, ये value increase हो जाएगी complete value, अब ये value increase हो गई है, तो यहाँ से E into Vs की value भी क्या हो जाएगी increase, means Vs की value increase हो जाएगी, stopping potential increase हो जाएगा, जो कि पहले आपको 2 volt given था, अब जो value आएगी more than 2 volt होगी, ठीक है, तो greater than 2 volt, हम यहाँ पे fourth option देख सकते हैं, okay, तो ये आ गया, चलो देखें next question, देखिए सर, the correct term between the intensity of incident photons and the photoelectric current, ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा और आपतित फोटोनों की संख्या में संबंध होता है, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास धारा या करंट जो रहेगा that is proportional to या अपन n e upon t बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर इक्वलेंसी का साइन लगाऊं तो i क्या होता है हमारे पास, i क्या रहता है हमारे पास that is delta q upon t, तो जहां पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे तब आपके पास करंट क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, ठीक है। और अपन ने अभी थोड़ी देर बात करी थी कि इंटेंसिटी ज्यादा होने पर आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे ज्यादा रहेंगे, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ने पर तीव्रता बढ़ने पर आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से आपके पास धारा बढ़ जाएगी, और ये जो है ये लीनियर रिलेशन रहता है, ये एकदम समानुपाती वाला, क्योंकि धारा ये एन के प्रोपोर्शनल और यहाँ पर इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, तो अपन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर आपको धारा पूछी गई है तो धारा सीधी सीधी तीव्रता की क्या रहेगी इंटेंसिटी की क्या रहेगी समानुपाती स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा इनके बीच में, फर्स्ट तो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, बिल्कुल ये चलो अब देखें यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टॉप स्लोप ऑफ v नॉट v न्यू कर्व इज इक्वल टू v नॉट बच्चा यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो कर रहा है एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे अभी हम बार-बार डिस्कस कर रहे हैं यहां पे जो इक्वेशन होती है e फोटोन इज इक्वल टू e फोटोन इज इक्वल टू phi नॉट प्लस e vs, ठीक है, Vs को यहाँ पे V नॉट बोला गया है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे इसमें E फोटोन इसको आप लिखते हैं H nu, ठीक है, एंड ये H nu नॉट, ठीक है, प्लस E V नॉट। अब यहाँ से हम E V नॉट की वैल्यू फाइंड करें, E V नॉट इज इक्वल टू तो E V नॉट का जाएगा H nu माइनस H nu नॉट, ठीक है, हमें यहाँ पे V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी तो E से डिवाइड कर देंगे, V नॉट इज इक्वल टू H अपॉन E nu माइनस H nu नॉट अपॉन E। अब देखो यहाँ पे ये एक लीनियर रिलेशन है, हमसे एक तो v नॉट एंड nu में ग्राफ बनाया गया है, v नॉट वर्सेस nu, तो हम देखते हैं y is equal to mx, mx plus c फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे हम देखें स्लोप है m, स्लोप कितना हो चो h upon e इसको शो कर रहा है, तो आप स्लोप h upon e में सीधे पूछे आपसे स्लोप इसका बताना है, ढाल बतानी क्या होगी, तो स्लोप क्या जाएगा इसका h upon e के बराबर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा स्लोप h upon e, जैसे अपन समझ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए सर the magnitude of electron de Broglie wavelength in first Bohr orbit of an atom, आपके पास first Bohr orbit जो दिया हुआ है उसमें आपके पास electron की de Broglie तरंग दैर्ध्य का मान रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास first Bohr orbit यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो गई है, अपने पास de Broglie wavelength क्या रहता है h lambda equals to h upon p या h upon हमारे पास क्या रहता है m v, ठीक है, बोर कक्ष के लिए बोला हुआ है तो बोर के लिए अपन एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन जानते हैं, वो क्या होता है एम वी आर इज इक्वल टू रहता है एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है,
तो n की वैल्यू तो आपके पास 1 हो गई, तो हम लोग यहां पर अगर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी आर इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। अब देखो आपको पूछा क्या है, एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए बात करनी है, तो मैं इस एम वी को नीचे शिफ्ट कर देता हूं और इस 2 पाई को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, तो हमारे पास अगर अपन देखें तो एच अपॉन एम वी जो कि हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ बन जाएगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। एच अपॉन एम वी अपना कितना हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या होती है उस कक्षा की, क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, सर्क्यूम फेयर। ओके बिल्कुल, आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन सेट है इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, तो आप फर्स्ट आंसर टिक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू अ बल्ब इज इररेडिएटेड एज विजिबल लाइट, हाउ मेनी क्वांटा आर इमिटेड पर सेकंड बाय 100 वाट लैंप। ठीक है, और जो यहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इस बल्ब की जो पावर है वो तो कितनी गिवन है आपको, 100 वाट। ठीक है, इसमें केवल 5% जो है वही केवल लाइट की फॉर्म में ऑप्टन हो रही है, बाकी जो रिमेनिंग 95% है वो हो सकता है हीट की फॉर्म में लॉस हो रही हो। मींस बल्ब्स जो यहाँ पे लाइट इमिट हुई है वो ओनली कितनी है, 5% एनर्जी जो है किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, विजिबल लाइट की फॉर्म में इमिट हुई है। ठीक है, तो जो फोटोन निकलेंगे वही विजिबल लाइट में से निकलेंगे फोटोन। ठीक है, हीट के तो होंगे नहीं फोटोन, तो विजिबल लाइट के होंगे। ठीक है, तो हमसे आप पावर तो बोलेंगे इमिटेड पावर। ठीक है, मतलब लाइट पावर, पावर ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट पावर क्या बेटा, ये 5% ऑफ 100 वाट, 5% ऑफ 100 वाट ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, और जो पावर, पावर इज इक्वल टू है एनर्जी अपॉन टाइम, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, ई टोटल अपॉन टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू 5%, 100 वाट का 5% निकालो कितना आता है, 5 वाट। ठीक है, 5 वाट, 5 वाट आ जाएगा। अब ई टोटल, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपन जानते हैं फोटोन की फॉर्म में इमिट हो रही है, तो एन इंटू, ठीक है, एन इंटू ई फोटोन। ठीक है, एन इंटू ई फोटोन अपॉन टी, टाइम यहाँ पे हमसे प्रति सेकंड बोला गया, ई सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड टाइम, तो 1 सेकंड रखने हैं, 1 सेकंड इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटोन, फाइंड करना है, और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे रखी है इसकी 5.6 × 10⁻¹⁵। तो आप देखिए, तो यहाँ से एन इंटू n into e photon बोल देंगे hc upon lambda, hc upon lambda, ठीक है, is equal to 5। अब हमें यहाँ पे n find करना है, तो देखो wavelength दे रखी है आपको, h Planck constant है, c light velocity है, ये सारी value put करके अपन यहाँ से n find कर लेंगे। ठीक, calculate कर सकते हैं n की value, जो कि हम solve करेंगे, तो solve करें तो यहाँ पे n की value आएगी 1.4 × 10⁻¹⁹। ठीक है, ये result बनेगा, इसको आप calculate करोगे तो, ठीक है, 1.4 × 10⁻¹⁹ तो इससे इजीली निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखे, कैलकुलेशन तो हो जाएगी, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप देखते हैं इस तरह पर यहाँ पे फाइंड करते हैं एन वैल्यू। ओके, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, इफ इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ बोथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड दैट द सैचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी सबने थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने पास जो सैचुरेशन करंट या फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो रहती है वो किसके समानुपाती रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती रहेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रहती है वो तीव्रता या इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल रहेगी। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, ओनली इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी है, डबल होगी। फ्रीक्वेंसी के डबल होने का हमारे पास यहाँ पर कोई इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी डबल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास फोटो करंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो फोटो करंट हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, केवल इंटेंसिटी पर डिपेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी पे इसको कोई डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर आप चाहे, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट इरेडिएट्स ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, मैं यहां पे कह रहा हूं, देखो कोई एच एटम है, एच एटम में जो इलेक्ट्रॉन है कहां से कहां पे जंप कर रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट से यहां पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ठीक है, तो उस पे जो फोटोन इमिट होगा, ठीक है, सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है वहां से एक फोटोन इमिट होगा। अब वो फोटोन हम उसको कहां पे फॉल कर रहे हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड टू बी 3.57 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें 3.57 दिया है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल इज, उस मटेरियल की आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। देखिए बेटा, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन यहां पे सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है तो वहां से जो फोटोन इमिट हो रहा है
उसकी वैल्यू क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों होती है 10.2? क्यों? देखो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में जो अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखते हैं एच एटम, तो कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें वैल्यू होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप हुआ है, तो जो यहाँ का एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है 10.2। इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल यहाँ पे फोटोन इमिट होगा 10.2। तो जो फोटोन की एनर्जी है, हम जानते हैं यहाँ पे जो रिलेशन अपन यूज करते हैं ई फोटोन इज इक्वल टू, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ई फोटोन इज इक्वल टू होता है फाइन वॉट प्लस ई वी एस। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कितना गिवन है यहाँ पे 3.57, तो 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे फाइ नॉट हम कैलकुलेट करेंगे, फाइ नॉट, ठीक है, इसमें से उसको माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फाइ नॉट माइनस मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन में ध्यान दें, आप नहीं समझे क्या हो रहा है यहाँ पे, फाइ नॉट अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे पूछा इसकी थ्री शोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फाइ नॉट यहाँ से ऑप्टर हो गया। अब इस फाइ नॉट को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एच एच न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू नॉट रख देंगे, ये वैल्यू पता ही से आपको, तो यहाँ से कैलकुलेट करके अपन क्या निकालेंगे, न्यू नॉट एच को डिवाइड करेंगे। हाँ, इधर ना यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, उसको पहले आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे जूल में, 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करें तो उसमें क्या बनता है आंसर इसका, इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.66 से बनता है आंसर, 1.66 ठीक है। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, कांसेप्ट जो है ये मेन पॉइंट है, एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन E0, ठीक है, आपके पास फोटोन की ऊर्जा एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, और वर्क फंक्शन E0 दिया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ER इजेक्टेड, ठीक है, तो आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी ऊर्जा कितनी है हमारे पास, के गिवन है, ठीक है। इफ द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज डबल्ड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटॉन्स विल बी। तो अब आपके पास अगर जो हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, आवृत्ति को अपन दुगुना कर रहे हैं, तो आपके पास जो अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, वही कॉन्सेप्ट अपन ने सर ने जैसे बताया, दो इक्वेशन बनानी है, कंपेरिजन करना है, तो बस पहले देख लेते हैं अपने पास पहले एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू इक्वेशन अगर अपन बनाए तो वर्क फंक्शन के लिए क्या इक्वेशन ये, हाँ, वर्क फंक्शन को हमें बोला गया है यहाँ पर ई नॉट बोला हुआ है, तो वर्क फंक्शन अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई नॉट बोला हुआ है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को के बोला हुआ है, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ है कि अपन ने क्या कर दिया, आवृत्ति को दुगुना कर दिया या फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो अपने पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2h न्यू, इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर 2 न्यू आएगा, तो मैं 2h न्यू लिख रहा हूँ। वर्क फंक्शन तो चेंज होना नहीं है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये तो सेम रहेगा, प्लस अपना ये क्या रह जाएगा, के डैश रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से सिंपल इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते तो E0 तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो टर्म बच जाएगी अगर मैं इसमें से इसको सबट्रैक्ट करता हूं तो के डैश माइनस के दैट इज इक्वल टू E0 से E0 कैंसिल, और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है तो ये बच जाएगा 2h न्यू माइनस क्या हो जाएगा एच न्यू, तो ये बन जाएगा के डैश माइनस के दैट इज एच न्यू, और के डैश अपना कितना हो जाएगा के प्लस एच न्यू, सेकंड आंसर हो जाएगा, तो इसका सेकंड आंसर बन जाएगा सेकंड आंसर। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज बाय 20%, मींस आपने एनर्जी यहाँ पे कितनी कर दी, 20% इंक्रीज कर दी, मान लो पहले से ई थी और आपने 20% इंक्रीज की तो कितनी होगी, 1.2 ई होगी, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मींस यहां पे जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अब इंक्रीज होकर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। अब इसका वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ये आपको फाइंड करना है, तो देखो यहां पे कोई टू इक्वेशन बना के वही सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो क्या बनेगी यहां पे, ई पहले एनर्जी ई है बच्चों, एनर्जी ई, ठीक है, वर्क फंक्शन फाइ नॉट
प्लस काइनेटिक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन कितनी रखी है 0.5 ये पुट कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे एनर्जी को हमने 20% इंक्रीज कर दिया है, ठीक है 20% इंक्रीज किया, पहले ई थी इसमें 0.2e आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो कितना बन गया ये 1.2e, 20% आपने इंक्रीज किया वैल्यू हो गई 1.2e, ठीक है इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस। अब यहाँ पे इसमें जो न्यू इन्फॉर्मेशन दे रखी काइनेटिक एनर्जी की तो नई गति ऊर्जा कितनी है 0.8, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0.8 है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें फाइव नॉट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से जो ई है इस ई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो इसके अंदर, ठीक है ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ई की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये 1.2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1.2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1.2 इससे मल्टीप्लाई करें तो 1.2 फाइव नॉट, ठीक है प्लस 1.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.6 इज इक्वल टू, ठीक है ये 5 नॉट प्लस 0.8, ठीक है तो आप देखो ये 1.2 5 नॉट ये 5 नॉट तो इधर लाकर सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 5 नॉट हो जाएगा, 0.2 5 नॉट इज इक्वल टू इसको इधर लाकर माइनस करेंगे तो 0.2 इधर बचेगा 0.2 तो सॉल्व करिए तो 5 नॉट इज इक्वल टू कितना बन गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसमें वन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन सेकंड होगा इसका आंसर, करेक्ट। देखिए सारे क्वेश्चन काफी सिंपल है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपको सॉल्व करने में, ठीक है चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर द इंसिडेंट फोटॉन्स इन्वॉल्वड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित फोटोन, तो आपतित फोटोन क्या होता है, अपनी ऊर्जा क्या कैसे हम लोग इक्वेशन बार बार बना रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है एक तरह से, यू देख सकते हैं हम लोग, ठीक है तो यहाँ पर जो भी फोटॉन्स मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन इमिट कर देंगे और खुद एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो हम लोग हमारे पास जो फोटॉन्स रहेंगे वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे, एनर्जी के बाद फोटोन डिसअपियर कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस फोटॉन्स को क्या कर लेगी एब्जॉर्ब कर लेगी और इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर लेगी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 म्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखो आप जानते हो आपको मैंने फोटोन एनर्जी का लिखते इक्वेशन ई फोटोन इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से हमसे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन पूछा गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ई फोटोन हमें कितना गिवन है यहाँ पे, वो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है यहाँ पे, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 न्यू नॉट मींस h इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहाँ पे 4 न्यू नॉट है, 4 न्यू नॉट अब वर्क फंक्शन अपन जानते हैं h न्यू नॉट प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको जरा सबट्रैक्ट कर दो तो इधर सबट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3h न्यू नॉट, ठीक है तो कौन सा आंसर आ गया इसके अंदर फर्स्ट, ठीक है तो ऐसा अपन सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट आंसर। ओके चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर two identical photo cathode receives light of frequency f1, आपके पास frequency f1 की light है और उसके बाद एक और frequency है f2 की light है, if the velocities of photo electrons जिनका mass अपने को कितना given है m है, तो coming out of with respectively velocities v1 and v2, f1 frequency के लिए हमारे पास v1 velocity से electron आ रहा है, f2 frequency से v2 velocity से electron आ रहा है, then तो अच्छा V और F में अपने को क्या बताना है, रिलेशन बताना है, तो वही इक्वेशन अपनी इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं, E फोटोन दैट विल बी इक्वल्स टू 50 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब इतनी देर अपन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, अब आपके पास वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है 1/2 mv2, तो पहले केस के लिए अगर अपन बात करें और ये E कितना रहेगा अपना, E क्या रहेगा h nu या फ्रीक्वेंसी अगर f बोला हुआ तो इसको अपन hf बोल देंगे, तो पहली इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो hf1 दैट इज इक्वल्स टू 50 प्लस ये हो जाएगा 1/2 mv1 square, ओके सही, और दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो hf2 ये कितना हो जाएगा मेरे पास 50 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 m ये हो जाएगा v2 square, तो अब अपने पास जो इक्वेशंस है उनमें 50 कहीं नहीं आ रहा है तो अपन को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनको कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो मैं इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देता हूं, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखो इक्वेशन में डायरेक्ट कंबाइन करता हूं आप समझ सकते हैं इजीली, 1/2 m को मैं कॉमन ले लेता हूं, 1/2 m कॉमन, यहां पर बन जाएगा मेरे पास v1 square minus v2 square = h f1 minus f2,
ठीक है, और इसको अगर मैं और अरेंज करूं तो 2 को भी इधर भेज देता हूं, m को नीचे भेज देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा v1² - v2² दैट विल बी इक्वल्स टू 2h अपॉन क्या हो जाएगा m f1 - f2। देखें कौन सा आंसर हो रहा है हमारा, इसमें सेकंड आंसर मैच कर, सेकंड आंसर अपना मैच कर, ठीक है। तो इस तरह अपन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बार-बार देखिए बेटा, हर क्वेश्चन में यहां पे 2 इक्वेशंस का यूज हो रहा है, सॉल्व करके अपन जो रिजल्ट हमसे पूछा गया वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, मींस मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ में रिलेशन पूछा है, ग्राफ पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h अपॉन p, ठीक है। h अपॉन p मींस लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन p, मींस यहां पे p एंड लैम्डा में इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन है तो ग्राफ क्या बनेगा, हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोलिक ग्राफ यहां पे आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो अपन पिक कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए सर, द फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन आर न्यू है ये एंड फाई जीरो, इफ न्यू जीरो इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन। तो इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं कि आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो होगा, जब आपके पास आपतित प्रकाश की या इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगी। अगर बराबर है तो जीरो काइनेटिक एनर्जी का हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इमिट होने का मतलब वो बाहर आ जाएगा, पर बाहर आने के बाद क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, अपने पास जो फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए वो न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो बड़ी रहनी चाहिए या बराबर रहनी चाहिए। बराबर रहने पर आपके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, बिल्कुल। ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो आपतित फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भेड़ी आवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए, थ्री शॉट फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो आज अपन ने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जिसे मेनली अपन एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट किया, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टी अपन देखी एंड मैटर वेव से कुछ क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए, ठीक है। तो चलो आज अपने काफी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व किए, मजा आया। तो अपन अब देखेंगे आगे इसमें मैटर वेव, इसमें जो मॉडर्न फिजिक्स है इसका अपन नेक्स्ट पार्ट अपन आपके सामने लेके आएंगे नेक्स्ट गुरुनीति में, ठीक है, जिसमें हम आगे और क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है 3 पार्ट कर रखे हैं, नेक्स्ट के बाद एक पार्ट और भी आएगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाद मिलते हैं, ओके, गुड बाय, थैंक यू।